बारे में कुछ बताएं सबसे पहले। देखिए, कोई शो को चलाने के लिए क्या होता है ना कि एक बहुत बेहतरीन होस्ट चाहिए होता है, और क्योंकि दिव्या जी के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और उन्होंने ऐसे कई शोज जो हैं होस्ट किए हुए हैं। तो कई नाम हमारे बीच में आए, बट हमें लगा कि जिस तरीके का हम ये अतरंगी शो बनाने जा रहे हैं किंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, हम लोग को, पूरी टीम को ये लगा, मतलब क्योंकि ऑफकोर्स ये एक आदमी का डिसीज़न होता ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरी टीम का एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और इसके माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट्स होंगे। तो मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि दिव्या इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शो। सर, अगर शो की जर्नी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी शो को लेकर स्पेशली? और मैंने देखा कि अलग अलग कंटेस्टेंट अलग अलग फील्ड से थे, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मॉडल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि इसका जवाब जो है, आई थिंक निवेदिता जी जो हमारी वीपी कॉन्टेंट है वो देंगी आपको। प्लीज़ बताइए हमें कि क्या कितनी रिसर्च करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में स्पेशली। एक्चुअली पहले तो मैं दिव्या का बताना चाहूँगी कि हाउ दिव्या केम इन टू बीइंग वाज कि वो फ्रेशली बिग बॉस OTT जीत के निकली थी, और आफ्टर हैविंग वन स्प्लिट्सविला बिग बॉस, आई थिंक मैंने उसे एज एन एक्टर देख लिया था कार्टेल में, बट अब उन्हें एज अ होस्ट देखना बाकी था। एंड हम लोग पुराने कोई होस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते थे जो ऑलरेडी इस तरह के कैप्टिव रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो वो जो फ्रेश विन उनका था उसी पे हमने कैपिटलाइज करके उनको किंग में डाल दिया। एंड आई थिंक शी इज़ डन अ फैब जॉब, बिबू जी का उनको नॉट देना हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन द शो, बिकॉज हमारे लिए सरप्राइज पैकेज था। हम थोड़े से स्केप्टिकल थे, इनफैक्ट हमने बिबू जी को बोला हम थोड़े स्केप्टिकल हैं, बट आई थिंक शी सरप्राइज अस ऑल। वी हैव टू गिव हिम ऑल क्रेडिट टू, होता है ना कि जो शिप का जो वो होता है ना चालक, वो बोले कि हाँ तो उस पर बिलीव करके चल जाना चाहिए, सो वी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक डेफिनेटली आजकल एक शो जो है ना वो पार्टिसिपेंट ज़्यादा बनाते हैं, बिकॉज होस्ट तो बीच बीच में आता है। अगर आप देखिए 80% ऑफ द शो ये पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट, मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हुआ तो वो 2000 में से छट के एक निकला है। हमने उनका सोशल कवरेज देखा कि उन लोग कितने सोशली एक्टिव हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि कितना उनका रीच है। अगर आज मैं उनके बारे में बात करूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आँख मारी, क्या आँख मारी, मतलब उन्हीं को पता है वो आँख मारे। तो हमें लोगों तक पहुँचाना है कि वो कंटेस्टेंट्स हैं। हमने ट्राई किया कि हम अलग अलग फील्ड से ले, लाइक एक फ्लाइट बर्सर है, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एक बिकनी मॉडल है, एक कोरियोग्राफर है, एक योगा इंस्ट्रक्टर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है। और यही हमारा आगे भी, जब हम लोग ने अपना ऐड डाला है नेक्स्ट सीजन का, भी हमारा यही रहा कि हमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए। हमें सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स नहीं चाहिए जो हमेशा एक रियलिटी शो बनाते हैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक रिक्शे वाले की डॉटर से लेके, अगर इफ़ यू हैव दैट हॉट पोर्शन एंड इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप यू वांट टू टॉक अबाउट एंड करेक्ट, वो लोग इस शो पे आ सकते हैं। हम इसको एस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं। सो यही हमारी खोज रही पुराने वाले सीजन जो अभी आ रहा है, और अभी नए में भी हम यही अपने, मतलब यही हम लोगों तक रीच आउट कराना चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट। यू हैव टू बी हॉट एंड हैपनिंग एंड डिजायरेबल, एंड यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक शो। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमने शोज देखे इस तरह के स्प्लिट्सविला और बहुत सारे, लेकिन क्या ये कॉन्स्टेंट प्लान था कि OTT पे ही लाना है, ताकि मतलब जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, क्योंकि अभी जो OTT का दौर भी चल रहा है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं? ऑफकोर्स OTT अभी क्या हो गया, घर घर इंटरनेट हो गया है, और इंटरनेट होने की वजह से लोग जो है ना मोबाइल पे आज के तारीख में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। इवन मैं भी अगर हूँ, कोई भी जना हो, ये कहा नहीं जा सकता है, मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो OTT एक माध्यम हो चुका है घर घर पहुँचाना और लोगों को दिखाना। लेकिन ऑफकोर्स जैसा आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट चैनल भी है, TV चैनल भी है, तो हम उसके अंदर ऑफकोर्स एक हम लोग हमने वहाँ पर भी उसको दिया है जो लोग डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते, जैसे Tier 3 के अंदर, Tier 4 के अंदर लोगों के पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर नहीं जाना चाहते, पूरे दिन उनको व्हाट्सएप देखना है या फेसबुक देखना है, तो वहाँ के लिए हमने TV को किया। तो रात में 10:30 बजे ये प्रोग्राम आएगा, लेकिन आज की तारीख में जैसे 80-20 का रेशियो है, तो 80% OTT है, डिजिटल है, तो डिजिटल सबसे बड़ा माध्यम होता है। और मेन देखिए, एज अ चैनल प्लानिंग तो यही होती है कि चैनल पे रिलीज किया जाए, तो इसके लिए 360 डिग्री देखना है, तो आप TV पे भी दिखा रहे हैं और OTT भी दिखा रहे हैं, इसीलिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बिकॉज वी आर हेयर एज अ चैनल, तो चैनल में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर होगा। सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड?
So I want to introduce, he is Mr. Avinash Dugar. He is the CEO of Ullu Digital. He has just joined our organization on 24th August. So he is here. So मैं आप लोगों को इसमें introduce करना भी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज introduce भी हो जाएगा. So if you want to ask something, sir, hello everybody. Yeah. क्या USP होगी sir, अगर उस बारे में कुछ बताएं? About this king? Yes. I am feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, it itself speaks the kind of euphoria I see amongst the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best, the entire organization, for the next season as well. अभी जो हमने देखा वो हमारे लिए भी सरप्राइज था, हमने पहले देखा नहीं था. सो अभी वी आर ऑल यू नो मिक्स्ड फीलिंग, बट वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी पेप्ड अप एक्चुअली. अभी ये देखने के बाद तो और ज्यादा, हमें लगा था हम बहुत ज्यादा अच्छा देकर आए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा देकर आए कि हमें देख के ऐसा हो जाएगा. सिंगल सिंगल में दिखाया है वो अभी तक हमें नहीं दिखाया था पहले, तो अभी जो दिखाया इतना सरप्राइजिंग था हमारे का आउटकम, जो हमारे पेशेंस और हमारे इतने टाइम का सब्र का आउटकम बहुत अच्छा मिला. मैं खुद को देख के हो गया कि यार ये हॉट बंदा कौन है, बाद में चला मैं ही हूँ. और अभी सबके असली रंग भी दिख रहे हैं. अभी तो पहला एपिसोड आया है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, होता है क्या. Hi everyone, I'm Mukta K. I'm a rapper and a model. और ये मेरा second reality show है, but first of this kind India में I think पहली बार ऐसा show हो रहा है, which is hot AF and everybody knows I am hot AF, so obviously बहुत मजा आया ये show करके. And big thanks to production, Key Light Productions and all our team members. उन्होंने they really pulled out it very well. और experience जो था, actually I am dating my boyfriend Pratik Jain, who is unfortunately not here today because he's shooting. तो हम लोगों का relation बहुत नया है, and suddenly we had to, you know, be make it public on a reality show. तो बहुत मजा आया, बहुत nervousness था, बहुत excitement था, but I think the experience was out of this. तो गाइज, मेरा नाम दीपाली चौहान है और मेरा किंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, बिकॉज ये मेरा पहला शो है और इतना ड्रामा हुआ है, इतना नॉटी आर्स हुआ है इतना मतलब बहुत अलग चीज़ हुई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस करके. तो आई एम हैप्पी. हाय, आई एम वर्षा. सो किंग करते हुए इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अपने बारे में समझने मिला. एंड द बिगेस्ट थैंक यू टू अतरंगी टीम, की लाइट्स और मुझे कास्ट करने के लिए शो में, बिकॉज इतना कुछ इवॉल्व हो गई हूँ. जो 27 डेज था जो शूट था, उसके बाद जो मैं आई हूँ, वो सो डिफरेंट. मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ अपने लाइफ में, ऐसा लगता है लाइक 10x ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुकी हूँ. सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस शो. हाय, दिस इज अक्षय जाकर, मैं फिटनेस एंथुसियास्ट. और यार, इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लाइक एक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है ये सीखने को मिला है, उसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं ये सीखने को मिला है. और एक छत के नीचे आप इतने सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तो आपको एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है, और आपके पार्टनर को भी पता लगता है कि वो कैसे मतलब आपसे बात करता है या किसी और से बात करता है, किसी और से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सब जानने को मिलेगा. बहुत बढ़िया शो था, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने के लिए. कुछ आप लोगों ने कितनी वेज वाली गाली दी है और नॉन वेज वाली गाली दी है, कितना यूज़ हुआ है गाली? वेज वाली गाली तो कोई होती नहीं है. पहले पहले तो किसी को जाना नहीं था, तो इतनी जल्दी निकली नहीं मुंह से, बट जब जाना लोगों के असली चेहरे दिखे तो बस मुंह बंद नहीं हुआ. सामने से अगर एक गाली आ रही थी तो हमारी तरफ से तीन निकल रही थी, बाकी की तरफ से दो निकलती, हमारी तरफ से तीन निकल रही थी. और मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मली किसी को गाली देती नहीं हूँ, मेरा मुंह ज़्यादा चलता नहीं, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग गटर लैंग्वेज, मेरे हाथ चलते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई लायक नहीं लगा. हाथ चला दी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. नमस्ते एवरीबॉडी. सेंटर में आ जाइए आप. अच्छा, मैं सेंटर में. सेंटर ऑफ अटेंशन आपको बनना बहुत पसंद है. मैं हूँ ही, ऑलरेडी बनने की जरूरत नहीं है. ओह यार, नाइस. साथ में लेडीज फर्स्ट.
साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में, और पता चला कि बिट्रेल्स, प्यार, ड्रामा बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में भी, जो हम यू नो नहीं देख पाते हैं, बट यहाँ पर आके बिल्कुल स्पाइस अप हो जाती है सारी चीज़ें. सो इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी. हाय, आई एम उदित राजपूत, एंड मेरा शो का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी था. लाइक हमें शो में भी सब बोलते थे कि भाई तुम यहाँ पे सब अलग गेम खेल रहे हैं, तुम तो हनीमून मना रहे हो. तो मतलब मैं और मेरी बंदी तो भाई चिल कर रहे थे, साथ साथ गेम भी खेल रहे थे, और आपको शो देख के पता चला कि गेम कैसा खेला है. मतलब होता है ना, बिना स्ट्रेस के चिल करके कैसे गेम खेला जाता है वो आप देखोगे शो में कि हमने कैसे खेला है. गाइज, दिस इज सागर आनंद, और मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत मज़ा आया. दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट रियलिटी शो, दिस वॉज द सेकेंड टाइम अराउंड. मैंने पहले एम टी वी लव स्कूल किया था. सो इस शो में जाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट नो वॉट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा शो कभी इंडिया में आया नहीं है. ओ जी सीजन है, पहला सीजन है. सो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है. सो डेली पहली बात, आप भी जब शो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स थे. आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पैसे कटेंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट विनिंग अमाउंट वॉज 25 lakhs. आप एपिसोड देख चुके होंगे, इट्स आउट इन एपिसोड. या कौन सा कुत्ता वाला, क्योंकि आप जब देखोगे आपको पता चलेगा मैं बहुत बड़ा कुत्ता था, और मैं सच में मैं भौंकता नहीं था, मैं इनको काटने के लिए आया था जितने भी कंटेस्टेंट थे. और मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में बहुत अच्छा था विद दिव्या ऑल्सो. आई थिंक दिव्या इज सच एन अमेजिंग होस्ट, शी मेड श्योर कि हम लोग बहुत यू नो अच्छे खुशहाल परिवार की तरह रहें, पर जहाँ पे मैं आऊँगा वहाँ पे तबाही होगी. सो मैं आया था बैंड बजाने सबकी, मैंने वही किया, और मेरी जर्नी पूरी ऐसी ही गई है. और प्यार था, मोहब्बत थे, धोखे थे, तो आई थिंक जर्नी वॉज अमेजिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो हाय गाइस, दिस इज़ योर ध्रुव तारा सबसे प्यारा, और ये है शलीन प्यारी सबसे न्यारी. तो अपन दोनों लाइक वी आर डेटिंग फॉर लाइक 3.5 years, हमें साढ़े तीन पास 3.5 years. तो हम दोनों ही लाइक पावरफुल कपल कह सकते हो, शो में रह चुके हैं, रहे हैं. हम पावरफुल कपल हैं. यस. शो में कितना एंजॉय किया आप लोगों ने अदर कंटेस्टेंट्स के साथ? देखो, अदर कंटेस्टेंट के साथ इंजॉय का तो मुझे पता नहीं, झगड़े बहुत किए हैं मैंने, और मुझे बहुत मज़ा आया झगड़े करके. इनडायरेक्टली वो हमारा इंजॉयमेंट ही था. हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा, जो दिमाग लगाने को मिला है, जो बाकी लोगों के पास शायद थोड़ा कम था. सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि बैग कैरी कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह से पैम्पर करते थे शो के अंदर? इन्होंने मेरे दो बैग्स कैरी किए, एक अपनी स्टाइलिंग के लिए और ये एक मेरा दूसरा पकड़ के रखा है. तो मेरे जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं ध्रुव के लिए अपने लिए दो दो चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें ध्रुव को ही पसंद आती है. हाँ, वो प्राइवेट चीज़ें छोड़ के प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशन टीम के लिए. हमने देखा है कि कम सिलेक्टेड प्रोजेक्ट करती है और अच्छे प्रोजेक्ट करती है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए जब अप्रोच किया गया क्या रिएक्शन था, और टीम के बारे में? आई थिंक पहले ही चीज़ तो एज अ होस्ट जब अप्रोच किया गया था, मेरे लिए काफ़ी न्यू था. हर बार एज अ कंटेस्टेंट होस्ट किया लाइक अप्रोच किया जाता था. दिस टाइम एज अ होस्ट आई थिंक इसलिए हाफ तो बैटल उधर ही इन्होंने जीती कि मैम आप होस्ट करिए, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट. बट सेकेंडली दिस शो इन्होंने मुझे वो पूरी खुली छूट दी टू बी माई सेल्फ एज अ होस्ट. कोई मेरे पे रोक टोक नहीं थी कि मैम ऐसा ही एक पैटर्न फॉलो करना ही है. आप जो भी होस्टिंग देखेंगे इट वॉज़ कम्प्लीटली दिव्या अग्रवाल, द ऑथेंटिक वन. तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया ये शो करने. एज अ होस्ट क्या क्या प्रिपरेशन की आपने इस शो के लिए? प्रिपरेशन तो नहीं, बस यही थोड़ी सी नर्वस रहती थी कि आई डोंट नो हाउ द कंटेस्टेंट्स विल रिएक्ट, विल दे लिसन टू मी, विल दे नॉट लिसन टू मी, एंड कैसे मैं सिचुएशंस हैंडल करूँगी, क्या मुझे भी सलमान खान की तरह गुस्सा दिखाना पड़ेगा या करण जौहर की तरह मस्ती करनी पड़ेगी. आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड, बट जैसे ही मैं उस पोडियम पे पहुँची जहाँ पे मुझे कंटेस्टेंट से मिलवाया गया, आई थिंक समथिंग चेंज इन मी एंड एंटायरली देन इट वॉज टेकन ऑफ. मैंने अपने आप से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी विद. बहुत सारे होस्ट को देखा है आपने, रणवीर जय को देखा है, सनी को देखा है, करण जौहर सर को देखा है शो में, किसको फॉलो कर रही थी या फिर किसको ध्यान में रखा था, किससे टिप्स? आई थिंक मुझे जब भी होस्ट करना था, कभी भी मुझे अपनी लाइफ में होस्ट करना था, मैं वो एक जो एक स्टेटमेंट है जो आप हर बार सुनते हो ना,
मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या अग्रवाल. आई थिंक वो होस्ट और दोस्त जो था ना वो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा था. एंड टू दिस आई थिंक आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाई निखिल चिन्नप्पा. निखिल चिन्नप्पा वॉज दैट वन होस्ट जिससे आपको डर भी लगता था पर उससे आपको उसके साथ आपको मज़े भी करने थे. एंड उनके पास इतनी नॉलेज है, ही इज़ अ वेरी वाइज मैन. आई थिंक दैट वॉज माई प्रोजेक्शन कि मुझे बहुत वाइज भी बनना है एंड आई हैव टू बी सटल एंड कूल एज वेल. आई मीन लुक एट निखिल चिन्नप्पा, कितने सालों से इज़ बिन रूलिंग द यू नो द होस्टिंग इंडस्ट्री एंड अभी तक लोग उनको बहुत प्यार करते हैं. ऑल्सो मैंने शो की एक टैगलाइन सुनी जिसके अंदर ये डेटिंग नहीं रिलेशनशिप के लिए. राइट, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपकी. सो कई ऐसे शोज होते हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स पहली बार मिलते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है. ये ऐसा शो है जहाँ पे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और डेट वो एक दूसरे को ऑलरेडी कर रहे थे. देयर वर टू मेनी पीपल जो नया नया डेटिंग उन्होंने शुरू किया था. दे डोंट नो इफ दे वॉन्ट टू गो फॉर अ रिलेशनशिप और नॉट. तो ये उनके लिए भी था और उनके लिए भी था जो रिलेशनशिप में नया नया आए हैं और जो रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से हैं. तो आई थिंक दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ शो जहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू देयर बट देर आर जस्ट चैलेंजेस विच आर बीन थ्रोन बाय अस. ऑल्सो आपने दो रियलिटी शोज किए, इतने सारे कंटेस्टेंट के साथ कुछ टिप्स या ऐसा कुछ? मैंने किए हैं 3-4 रियलिटी शोज फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, और टिप्स एंड या टिप्स तो मतलब आई थिंक सिचुएशन वाइज जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी आई यूज टू ऑलवेज फील लाइक के हाँ ये तो मेरे टाइम पे भी हुआ था. दिस वॉज हैपनिंग, दैट वॉज हैपनिंग. आई मिस्ड ऑल माई को कंटेस्टेंट्स जिन जिन लोगों ने मेरे साथ शो किया. तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने कंटेस्टेंट्स को बताती थी एंड आई होप उनको अच्छा लगे और उन्होंने किया भी है काफ़ी कुछ. यू विल सी इन द शो. हाँ, ऑडियंस एंड मीडिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी. आप लोगों ने मुझे एज अ कंटेस्टेंट बहुत प्यार किया. दिस टाइम इट हैज़ टू बी एज अ होस्ट एंड आई होप मैंने अपना काम अच्छे से किया होगा. एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.